आइए हम आपको बता दें कि 4 रोज पहले जुगेश्वरी वेस्ट में एक हादसा हुआ। हादसा ये था कि रिहान टेरिस, जो जुगेश्वरी बहुत मशहूर है, रिहान टेरिस एक में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। रिहान टेरिस के 10वें मंजिले से एक स्लैब आकर गिरा और वो स्लैब जो है, ये एक RCC का स्लैब जो है, नीचे जो चौल बनी हुई है रिहान टेरिस के नीचे, उस चौल पर आके गिरा रात को 2 बजे। और उस वक्त सब लोग सो रहे थे और एक बच्चा जो कि जिस पर जिसका हाथ बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ है, हाथ तकरीबन टूट चुका है। इस हादसे के बाद आमना सामना मीडिया नेटवर्क की टीम उस जगह पर पहुंची, वहां लोगों से बात की। हम बात करते हैं यहां के रहने वालों से, और जो जिस बच्चे का हाथ टूटा है जिसका नाम है इरशाद खान, उनके भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद है मोहम्मद आसिफ, इनसे बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं इनका क्या कहना है। और जैसे कि हमें पता चला कि यहाँ के इलाके के नगर सेवक और MLA वगैरह ने भी यहाँ का दौरा किया, पुलिस में इन्होंने कंप्लेंट की, ये पूरा जांच का विषय है। इन लोगों का कहना यह है कि ये जो काम यहाँ पर हो रहा है ये इलीगल काम है, ये इनका ऐसा इल्ज़ाम है, ऐसा आरोप है, और ये जांच का विषय है। इन्होंने कंप्लेंट भी किया, ये देखते हैं। ये आमना सामना मीडिया नेटवर्क की ये पूरी न्यूज़। जैसे कि आप सुन रहे हो, अभी यहाँ पर ऑलरेडी काम चालू है, आप साउंड सुन रहे होगे। यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी सेफ्टी कॉर्नर हमको दिया हुआ नहीं है, किसी चीज़ की हम लोगों को कोई सुविधा दी हुई नहीं है। ये 10 माले का जो स्लैब है वो डायरेक्ट हमारे छत के ऊपर आके गिरा है, जिसके कारण हमारे पड़ोसी जिसका नाम है रेशमा खान और उनके बेटे अपना इरशाद खान, इनका भी इनको चोट लग गई है काफ़ी। मेरे भी लेफ्ट हैंड पे काफ़ी चोट लग गई है। टोटल ये 4 रूम है, जो कि 4 रूम के ऊपर बड़े बड़े स्लैब गिर चुके हैं। हमने रात को ही, मतलब ये जो हादसा हुआ है वो रात को लगभग 2 से 2:30 के बीच में हुआ है, तो हमने लोकल अम्बोली पुलिस को बुलाए थे, तो उनसे हमको जो भी है, ना ही कुछ बेटर ना ही कुछ कमी, मीन्स एक एवरेज उनके पास से हमको सर्विस मिली है। BMC वगैरह भी आए थे, जैसे के वेस्ट के हमारे पाटिल साहब है, वो यहाँ पर आए, सर्वे करके गए, उन्होंने कुछ फ़ोटो वगैरह निकाले हुए हैं, और उन्होंने भी कहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये कहीं ना कहीं गैरकानूनी है, ये पूरी तरीके से इसको सही से ये काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे तो सर ये 5 घर पे बड़े बड़े स्लैब गिरे हुए हैं, लेकिन टोटल 3 जने जिनको मार लगा हुआ है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी मुक्का मार लगा हुआ है, मेडिकल वगैरह मेरा भी हुआ है, मैं ऑलरेडी बम्बोली पुलिस चौकी जाकर अपना स्टेटमेंट वगैरह दे चुका हूँ मैं। ये वो घर है जहाँ रेशमा जी के यहाँ पर सोए हुए थे और उनके बेटे यहाँ पर बाजू में सोए हुए थे। एकाएक ये इतना बड़ा स्लैब जो है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये इतना बड़ा स्लैब जो है सीधा उनके 2 हाथों से उठाने जा रहा हूँ, काफ़ी बड़ा है। एकाएक गिर गया, जिसके कारण उनके बेटे का राइट हैंड पूरा टूट गया पूरी तरह। डॉक्टर ने 4 ऑपरेशन बोला गया उनको, और अगर मान लीजिए अगर ऑपरेशन होता है तो भी वो हाथ इतना काम का नहीं रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग आए तो अच्छा करेगा, शुक्रिया। आपको 2 बजे धमाका हुआ, आज के साथ में भाग के सब आए, आज से परेशान है 2 बजे से अभी तक। अभी ये रात को 2:15 के बीच में ऐसा धमाका हुआ कि हम लोग फटाक से उठे, देखे तो मेरे घर के ऊपर पूरा स्लैब गिर गया। स्लैब गिरने के बाद में बदले से चिक की आवाज़ आई, हम लोग बाहर निकले, इसको दरवाजा खोले, ये बच्चे को लेके गए, कुपर हॉस्पिटल भेजे। रात से लेके अभी तक कोई बिल्डर नहीं, कोई बिल्डर का आदमी नहीं, किसी का एक फ़ोन नहीं, ना कुछ भी नहीं। हम लोग के साथ में ना इंसाफी हो रही है। हमारी मांग ये है कि हम लोग प्राइवेट वाले होने के बाद में भी हमको सलम में डाला। हम लोग का ये 74 का ये लैंड है, हम ये मगर बिल्डर ने 75 में डाल दिया, इसके बावजूद भी हम लोग ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं। कि रहवासी की यही मांग है, क्या देखो बिल्डर हम लोग को अच्छी तरह से जो हमारा हक बनता है वो हमको देवे। हाँ, और ये घर में तो अभी रहने जैसा है ही नहीं। हाँ, हमको किधर भी अच्छा भाड़ा देवे, टेंडिस्टर कैंप बांध के देवे, और हम लोग की अच्छी सुविधा करके, हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, पानी की, संडास की, गटर की, नाले की, हर चीज़ की सुविधा होना चाहिए। एक्चुअल में रात में जो हादसा हुआ उसके अंदर अपना 11 साल का एक भाई जो इंजर्ड हुआ, उसको मेजर इंजरी हुई है, उसके हाथ के ऊपर ही मेन स्लैब गिरा। तो अल्लाह पाक का एहसान है कि हाथ पे गिरा, सर पे गिर जाता तो हाथ की हालत है कि डॉक्टर्स, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर का कहना है कि कम से कम 6 महीने लगेंगे, 3 सर्जरी करनी पड़ेगी। अभी तो इम्प्लांट कुछ मंगाया है उन लोगों ने, कुछ रॉड मंगाया है जिसकी कीमत भी इतनी है कि हमने फिर वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट की है कूपर में, तो अभी उसका ऑपरेशन चालू है।
आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। अभी भी लोगों ने ना हमसे पूछताछ की, ना कुछ, ना इनकी तरफ से कोई आया। हमने पुलिस से मदद ली, पुलिस आई खाली, पुलिस ने जो भी अपना जो देखना दिखाना था, जितना मतलब पुलिस कोऑपरेट कर सकती थी, पुलिस ने अपना काम किया है। उसके अलावा बिल्डर की तरफ से या फिर और भी कोई किसी की मदद, ये अम्बोली पुलिस स्टेशन से दो, एक लेडी ऑफिसर है मैडम फड़तरे और एक पीआई है मिस्टर खुटवट, ये दो लोग थे जिन लोगों ने रात से लेके अभी तक शाम तक, अभी 12 बजे तक वो लोग यहाँ पे आए थे, 10-11 बजे के करीब तक सब पंचनामा सब कुछ करके। हालांकि ड्यूटी ऑफ होने के बावजूद भी वो लोगों ने हमसे इतना कोऑपरेट किया। उन्होंने हमसे कहा है कि अभी जैसा बच्चे का अभी जो भी रिपोर्ट्स आता है, मेडिकल रिपोर्ट्स आनी जो है, फिर उसके बाद FIR जो भी है, वो फिर आगे की कार्रवाई जो है पुलिस अपने हिसाब से करेगी, ऐसा हमें आश्वासन मिला है।